नमस्कार नर्मस, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए लेके आई हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन इंटरमीडिएट का पार्ट 6 क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। इससे पहले मैं आपको 5 पार्ट पढ़ा चुकी हूँ जिसमें मैंने सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट को एक्सप्लेन करा है। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। कार्बन क्या होते हैं हम आपको बता चुके हैं। कार्बन एक ऐसा कार्बन जिसमें लोन पेयर होगा, साथ में डाई वैलेंसी होगी यानी कि दो वैलेंसी होगी, बट नो चार्जेस प्रेजेंट, चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। अगर चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है तो हम उसको कार्बोकैटायन कहते हैं, माइनस चार्ज होता है तो हम उसको कार्बोनायन कहते हैं। बट विदाउट चार्ज स्पीशीज जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, बट चार्ज ना होते हुए भी डाई वैलेंसी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ऐसे कार्बन को हम किस नाम से जानते हैं, कार्बन के नाम से जानते हैं। सो टुडे आई एम एक्सप्लेन सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, कार्बन को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। सो कार्बन आर क्लासिफाइड इन टू टू क्लासेस बाय द नेम दीज आर नंबर 1 सिंगलेट कार्बन, नंबर 2 ट्रिपलेट कार्बन। कार्बन को उनके नाम के आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसमें से पहले को कहते हैं सिंगलेट कार्बन, दूसरे को हम कहते हैं ट्रिपलेट कार्बन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन क्या होती है। सिंगलेट कार्बन देखिए, इन दिस टाइप ऑफ कार्बन sp2 hybridization is observed and the unshared pair of electron is present in 1p orbital। singlet carbene जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि singlet कुछ ऐसा होता होगा जिससे वो singlet कहला रही है। क्या कह रहे हैं, इस टाइप की carbene में sp2 संकरण होता है, sp2 hybridization पाया जाता है and unshared pair of electron is present 1p orbital। p orbital में आपके जो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं sp2 orbital में, जैसे कि ये दिख रहे हैं। sp2 orbital में क्या आते हैं, आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह की कार्बन को हम ऐसे बता सकते हैं कि इसमें आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे आपके सिंगलेट कार्बन के रूप में कहलाते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने का तरीका है हमारे पास क्या, फॉर्मूला 2s+1। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, 2s+1, जहां s आपकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है। क्या है इसमें s, s होता है आपकी मल्टीप्लिसिटी, जो हमारी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होगा, वेयर n इज द मल्टीप्लिसिटी s इज इक्वल टू 1/2 n के इक्विवेलेंट होती है, जहां n इज द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं ये सिंगलेट कार्बन की, जैसे मैंने आपको ज्योमेट्री में दिखाया कि ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, आपके एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये आपको दिख रहे हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन आपके एक ही साथ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, एक ही पी ऑर्बिटल में शो हो रहे हैं। ठीक, तो इस सिंगलेट कार्बन को हम कह रहे हैं, हम इसको सिंगलेट कार्बन कह रहे हैं। कैसे, इस केस में एस की वैल्यू, जहां एस इज आपका हमने बोला फॉर्मूला 2s+1, जहां एस क्या है 1/2 है, जहां एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, आपने देखा इसमें इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में दिख रहे हैं आपको, युग्मित अवस्था में आपको इस अवस्था में दिख रहे हैं। तो क्या इसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, सात इलेक्ट्रॉन हमारे किस अवस्था में थे, इस अवस्था में थी। तो कहने का अर्थ है कि s इज इक्वल टू 2s+1 करेंगे 2 × s। s की वैल्यू यहां पर क्या है, एक बॉन्डिंग है या नॉन बॉन्डिंग, तो s की वैल्यू कितनी हो गई, 0। s की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे साथ, ये देखो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से अवस्था में दिख रहे हैं, युग्मित अवस्था में दिख रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि s की वैल्यू क्या है, यहाँ पर युग्मित अवस्था में दिखने के बाद s की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 0 दिखाई दे रही है। अब s की वैल्यू 0 है तो हमने s की वैल्यू 0 इस फॉर्मूले में रख दी। तो फॉर्मूला क्या है, 2s+1, s की वैल्यू होगी 0, आपकी s की वैल्यू होगी आपकी 0+1, s की वैल्यू होगी 0+1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, कितनी वाली, इसका आंसर कितना है 1। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कार्बन इज 1, कार्बन की मल्टीप्लिसिटी कितनी है 1, ये इंडिकेट कर रहा है कार्बन की मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई आपकी 1। हमारा ये हो रहा है कि कार्बन की मल्टीप्लिसिटी हमारी 1 है, 1 है तो ये कार्बन कौन सी कार्बन हो गई, सिंगलेट कार्बन। ये हमारी कार्बन किस नाम से जानी जा रही है, सिंगलेट कार्बन। तो सिंगलेट कार्बन क्या होती है, आपने देखा सिंगलेट कार्बन वो होती है जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी होती है 1। मैंने आपको नाम से बोला कार्बन आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ नेम, नेम के आधार पर, उसको हमने कितने आधार पर, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट्स में। तो फर्स्ट ऑफ सिंगलेट कार्बन में आपने क्या समझा, सिंगलेट कार्बन में हमने समझा कि सिंगलेट कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, साथ ही इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हैं जिसके लिए
फॉर्मूला का कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, 2s+1 फॉर्मूले का यूज करते हैं। जब हमने 2s+1 फॉर्मूले का यूज करा तो s की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे दोनों के दोनों एक ही ऑर्बिटल में युग्मित अवस्था में थे, यानी कि पेयर्ड फॉर्म में थे। तो 2s की वैल्यू कितनी हो गई, 0, दैट शुड बी 0, 2 × 0 = 1, दैट इज 1। तो इस तरह की कार्बन हमारी कौन सी कार्बन होती है, ये कार्बन हमारी किस कार्बन के नाम से जाती है, सिंगलेट कार्बन के नाम से जानी जाती है, दिस इज द सिंगलेट कार्बन। Now next is the what? Next is the singlet carbon के बाद आती है triplet carbon। जैसे कि नाम के आधार से ही clear हो रहा है, इसमें spin multiplicity की value 3 आती होगी, ठीक है? तो triplet carbon क्या है, देखिए, in this type of carbon the unshared pair of electron is exit into unhybridized p orbital, so they are so sp hybridized with the linear geometry। इस तरह की कार्बिन में कौन सा संक्रमण पाया था, इस तरह की कार्बिन में सबसे पहले तो आपको पता है कि इस तरह की कार्बिन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या बोला मैंने, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है। एंड 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल शोन इन ए 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल उपस्थित होता है। क्या होता है, एसपी संक्रमण और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल उपस्थित होता है, जैसे कि मैं ज्योमेट्री में दिखा रही हूं। ये हमारी ट्रिपलेट कार्बिन है, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये आपका पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में आपके ये इलेक्ट्रॉन आपके कौन से अवस्था में दिख रहे हैं, सिंगल सिंगल, दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे दिख रहे हैं, सिंगल सिंगल दिख रहे हैं। अब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे तो s इज इक्वल टू 2s+1, हमारा फॉर्मूला हो गया आपका 2s+1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला हमारा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला को हमने यूज करा 2s+1। अब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s इलेक्ट्रॉन एक ऊपर को एक दूसरा भी ऊपर को या एक नीचे को दूसरा नीचे को, कोई भी अलग अलग है, सिंगलेट सिंगलेट फॉर्म में है आपका, सिंगलेट फॉर्म से मेरा कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं, सिंगल सिंगल है, ठीक है, युग्मित अवस्था में नहीं है। तो युग्मित अवस्था में नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपकी इस केस में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 × आपका कितनी होगी 1, 2s+1 + 1 = कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, जिसके आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो इस तरह की कार्बन को हम कौन से कार्बन के नाम से जानते हैं, इस तरह की कार्बन हमारी कौन सी कार्बन कहलाती है, ट्रिपलेट कार्बन के नाम से जानी जाती है। इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 3 होगी, और हमारी कार्बन क्या होगी, ट्रिपलेट कार्बन कहलाती है, ठीक। अब बात करेंगे कि हमने सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन की तो बात करते हैं, अब बात करेंगे कि इनकी स्टेबिलिटी की, कौन सी कार्बन ज्यादा स्टेबल होती है। तो आउट ऑफ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल बिकॉज इन ए सिंगलेट कार्बिन देयर इज ए रिपल्शन बिटवीन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे सिंगलेट कार्बिन में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन हमारी इस अवस्था में रहती थी, ठीक है। ट्रिपलेट कार्बिन में हमने देखा इलेक्ट्रॉन कोई भी या तो ऊपर की तरफ को रहेगा या नीचे की तरफ को रहेगा, ठीक है, इनमें किसी तरह का रिपल्शन होने की संभावना नहीं है। तो सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये वाली क्या होगी, दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता रखेगी, लेकिन ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है आपके रिपल्शन, किसी एक कार्बन को दूसरे कार्बन के नजदीक रखा तो इनमें क्या होने की टेंडेंसी है, रिपल्शन होने की टेंडेंसी है। तो हमने क्या जाना, इससे क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट ये निकला कि आउट ऑफ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल बिकॉज इन सिंगलेट कार्बन देयर इज रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंगलेट कार्बन में इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने की संभावना होती है, रिपल्शन होने की संभावना होती है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो आज हमने जाना कि हमारी कार्बिन क्या होती है और कार्बिन की स्टेबिलिटी को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तथा सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन किस आधार पर उनका नाम रखा गया है। सिंगलेट कार्बन में स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 आती है, इसलिए हम उसे सिंगलेट कार्बन कहते हैं। ट्रिपलेट कार्बन में उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आती है 3 आती है, इसलिए हम उसे कौन सी कार्बन होता है, ट्रिपलेट कार्बन कहते हैं। और फाइनली हम फाइंड आउट करते हैं कि इसके आधार पर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। आशा करती हूँ आपको कार्बन के विषय में सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन के विषय की जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।